तो इसमें आठ जगह है तो सात है। सारे गामा पा दा नी उसके जो है वो लेकर के आता है सात है ना बड़ा छोटे का नहीं करना कोई सात उसमें सौर कितना होता है सात ही सौर होता है ऊंचे नीचे करके गुरुदा को मतलब तो सही करके करो वो हमें की बात नहीं करो सौर तो होता है उसमें जो होता है सारे गामा पादा नी इन तो सात होता है तो उसमें कुछ भी बोलो बोलते तो जा रहे हैं और उसी तो जो बजाने वाले होते हैं ना कीर्तन करने वाला उसके ऊपर धुन छूटते रहते हैं राजकुमारी चले 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 वो तो कहने की होता है ना धुन को ऊपर नीचा करते हैं धुन को जाए कोई ऊंची करते कोई नीची करते चले चले जाओ कब तक चलते रहो पर चार बज गया महाराज हाँ चलो चलते रहे काल से अभी विश्राम करने दो वही चलते चलते तो कृष्ण गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर ये तू बता तू बोलने तो कथा बातें से कम नहीं है तू तुम तो कथा बोलने में बहुत पक्का हो जो भागवत क्या बोलता है वो तो कथा बातें बोलते हैं ना कथा को बांसते रहते हैं भागवत तो नहीं कहते हमें कथा को बांसते रहते हैं कथा वाचक कहते हैं बांसता रहते हैं तू बता तू तो एक कथा सुनाते रहते हम सुनते रहे हम वही करने के थोड़ी आए गोपियां कहने लगी ये तू बता तुम तो बहुत कहानी तो सुना दिया कथा तो सुना है कथा वाचक तो सुना है तो ये बता क्या कहना चाहते हो तू बता दी एक शब्द भाई हम जितने कथा कहे अंत में तो हम एक शब्द की तरह बता दी भाई जिस क्या अच्छा तो दो घंटे आपके पास बैठे करके रखा अभी दो घंटे बैठी महाराज आप तो बताओ हम तो कट पत्थर तो कुछ नहीं समझ में यार नहीं यार हम एक तो देर से आया आगे कहा पीछे हमें तो समझ में नहीं यार तो महाराज कम से कम एक शब्द बता दो तुम इतने समय दो घंटे में क्या बता दी बता दे क्या बोलना चाहते तो हम मूर्ख है गमा रहे हम आप ही बताओ क्या तुम बोलना चाहते गोविंद कहने लगे संसुंदर एक गोविंद के लिए गोपी ये सुन ये प्रेम ऐसे एक वस्तु है प्रेम की परिपक्व जो होता है उस प्रेम असघन होता है श्रद्धा से लेकर के साधु संघ भावना क्रिया मनोस्मृति निष्ठा रुचि आसक्ति इसके बाद प्रेम की होता है क्या भाव होता है भाव में जाकर प्रेम की दशा विपरीत प्रेम की स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव प्रेम की जितना ही परिमाण वो बढ़ते रहता है मैच्योरिटी होता रहता है और वस्तु की असाधन होता है परिपक्व दशा मैच्योरिटी हृदय में हमारे जो प्रेम हमारे प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की मैच्योरिटी हम कब देख रहे हैं विरह दशा में कि हमारे सब वास्तव रूप में हम वास्तव रूप में आप हमारे प्रति कितना प्रेम रखते हो वो मैं चले विरह इसमें वही प्रेम को मैं असरण करेंगे विरह रूपी अग्नि के द्वारा जो है
ज्योतिष किंतु वही जब जब बर्फ हो जाता है शरीर हो जाता है उस कठिन होता है। नापने के लिए बहुत कुछ होता है, नापना तो किसी को नाम सकते उसे कठिन होता है। तरल पदार्थ में हाथ हाथ में जल्दी प्रवेश हो जाता है किंतु कठिन पदार्थ में जल हाथ से जो है कृष्ण कार्य गोपियों आपके उधर जो मुझे प्रेम जो है वो प्रेम को मैं नाम दशरथ महाराज के प्रेम एक तराजू में रखा जाए और नंद महाराज के प्रेम के एक तराजू में रखा जाए तो कौन सा भारी है? नंद का प्रेम क्यों? नंद महाराज की वही प्रेम जो है वो शुद्ध वात्सल्य प्रेम था। दशरथ महाराज के रामचंद्र के वात्सल्य प्रेम वो शुद्धता नहीं था, ऐश्वर्य मिश्रित की भगवत भक्ति थी। और नंद महाराज के प्रेम जो है वो स्वच्छ सर्व निर्मल प्रेम था। यही प्रेम पे दिखाते जाते हैं जगत में। हम तो इस जगत में प्रेम की परिभाषा नहीं जानते किंतु चित जगत की प्रेम की इतना ऊंची स्तर और उसके आगे जाकर के गोपियों की प्रेम कितना उन्नत स्तर पर हो सकता है जिसका हम करा नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति हिमालय के नीचे बैठे ऊंची जो है शिखर की तरफ देखे है माउंटेन जो है और उसके सिर पर जो है टोपी लगा रखे देखे और ऐसे देखते 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 इधर पीछा हो जाता है और उसकी टोपी जैसे नीचे गिर जाती है। अच्छा उसी प्रकार ब्रज की जो प्रेम इतने उच्च शिखर में विराजमान है जिससे हम अनुमान लगा नहीं सकते। हम कहते हैं सुनते हैं कितना उच्च कोटि के प्रेम का प्रेम कहां तक पहुंचा सुनने में आनंद होता है। ब्रज की के प्रेम के आज ब्रज की कहानी का कोई सुनते हैं लिखते हैं ये प्रेम कहां तक पहुंच सकते हैं? ये सब प्रेम की जो देते जा रहे प्रेम कहाँ कहाँ पहुंचे एक दिन में श्रद्धा की सभी भाषा तो आज समझ में आ जाए। इसके बाद तो साधु संग भजन के अनुतृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव है। कहा तो महाराज यदि ऐसे हो तो आप हर रोज श्रद्धा की बात बताइए ना, क्यों आप प्रेम के बारे में सब थोड़ा रुचि की कथा क्यों बताते? इसके भी उत्तर हमारे आचार्य पास देते बोले हमारी देवी जी श्रद्धा भी नहीं है तो महाराज आप श्रद्धा से ऊपर की कथा क्यों बता देते हैं? ये भी आप प्रश्न हो तो उसमें कोई एक संत महात्मा कहते हैं देखो हमारे दिन चर्चा कैसे है, हमारे दिन कैसे बचे बोले इस कथा को सुनने में आनंद होता है। गोविंद की कथा सुनने में आनंद होता है, समझ में तो आता ही नहीं है प्रकृति तथा भी गोविंद की कथा में आनंद होता है।
कथा ही आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, आनंदमय ब्रह्म है। उनकी कथा किसी भी प्रकार से भी कहे उसमें आनंद रहता है। कोई संत महात्मा कहने लगे, ये महाराज यदि हमारे हृदय में यदि श्रद्धा नहीं हो, और बोलो ना श्रद्धा कैसे, श्रद्धा कैसे, तो आप प्रेम स्नेह मान प्रणय राग भाव प्रेम की बहुत ऊंची स्तर की क्यों कथा बोलते रहते। तो संत महात्मा कहते हैं, समझ में तो आप बात तो सही है, आप जो कार्य उनके गोविंद की कथा जो मीठा है, कथा सुनने नहीं आनंद, वो आनंद में भगवान है। ऐसे कई संसार में लोग नहीं है गोविंद की कथा सुनकर के हृदय में आनंद न हो। निवृत्त तौर से माना बहुत मनोभिराम कौतम श्लोक गुणानुवाद कुमान विरजित बिना पशु गोविंद की कथा कौन नहीं सुनना नहीं चाहते बताओ, है तो उच्च कथा की है फिर कौन सुनना नहीं चाहते। तो भागवत ने स्पष्टीकरण कर दिया, निवृत्त तौर से उपयोग्य माना बहुत मनोभिराम कौतम श्लोक गुणानुवाद कुमान विरजित बिना पशु एकमात्र पशु के हनन करने वाले निष्ठुर है बहुत कठोर हृदय वाले शिकारी जो है वो छोड़कर के और सभी लोग भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। भगवत कथा ही आनंद है, समझ में आ जाए नहीं भी आ जाए भगवान की कथा तो आनंद है, आनंद में भगवान की। एक गोपी बैठी थी चुपचाप बैठी हुई थी, कृष्ण आकर के बोले गोपी तू क्या कर रही है, गोपी कुछ नहीं बोली, कृष्ण बार बार उसने क्या बोले अरे तू यहाँ पर अकेला किस लिए बैठी है बता तो कुछ, गोपी कुछ नहीं बोली। उस समय के बाद जब कृष्ण कृष्ण उसकी कांधे को पकड़े हिलाते जैसे कोई बात नहीं करते उसके हिला दो तो हिलाया, गोपी कहने जब वो देखा तो नहीं है कहीं गोपी कहने लगी, एक कृष्ण कहने लगे गोपी की अकेला क्यों बैठ रही, गोपी कहने लगी देखो मैं ध्यान कर रही थी। बोले किसको ध्यान कर रही थी, बोले एक देवी के प्राप्त देवी के दर्शन करके मैं ध्यान कर रही थी। वो गोपी बोली एक देवी के जो है दर्शन करने के लिए मैं ध्यान कर रही। बोले गोपी को अच्छी तरह बताए वो देवी कैसे है, बोले पता ही नहीं है, बोले पता ही नहीं है तो ध्यान कैसे करोगे, जिसका हमारे जिसका हम ध्यान करेंगे उसको रूप होना चाहिए, ध्यान नहीं करते अपनी लगा दो और मंच पर बैठ करके उसी की जो पिक्चर देखा आंख बंद करके ध्यान कर, सीधी बात नहीं बता ठीक है ना, मंत्र जब ध्यान करना की क्या पहली स्थिति में ध्यान यही तो बताना सिखाते हैं, कहते महाराज ध्यान के करो यह वस्तु के मन में स्मरण करो कैसे है उनके है रूप। अच्छा अच्छा कृष्ण बोले अच्छा तो जो पता ही नहीं है वो देवी कैसे, तो कृष्ण कहने लगे अरे गोपी तू पागल है, ऐसे ध्यान करने से देवी नहीं आएगी, एक तो तू पता ही नहीं वो देवी कैसे है, बहुत सुंदर है इतना जो बहुत सुंदर, अरे है कैसे उसके कितने हाथ है पैर है, दो हाथ चार हाथ हाथ है कि छह हाथ है कि कितने पैर है तू बता दो, उसके आंख कैसे है कान कैसे है क्या है ये क्या कपड़ा पहनी हुए क्या है मुझे मुझे पता ही नहीं। कृष्ण बोले ध्यान पहन छोड़ देवी के दर्शन करना, तो देवी के दर्शन करना हाँ देख देवी के दर्शन करना है उसे भोग लगा जब तक तो वो देवी तुम्हारे पास नहीं आए इसलिए हम ठाकुर भोग लगाते हैं ना। कृष्ण कहने लगी तो गोपी कहने लगी बोल गई इतने दिन तो मैंने आज कितने 20 साल हो गया देवी भी आई नहीं अभी कन्हैया ने तो अच्छा सलाह दी क्या बोली भोग लगाओ। अच्छा अभी बोली कन्हैया तू बता बनाऊंगी, बोले अच्छा लड्डू बजाय कचोरी बजाय कृष्ण जी अच्छे गोपिया ने किया कि रख दिया थाली रख दिया तो कन्हैया क्या कि जब गोपी ध्यान करने लगे आंख बंद करके ना उसे थाली
फिर उंगली कुछ, अरे क्या कर रही मैं ध्यान कर, शिष्य कहते हैं गुरुदेव ध्यान कैसे करना, आंख बंद कर करना है कि खुल करके करना है, ये बता दो मुझे। हम बोले आंख बंद करके, कृष्ण बोले तू आंख बंद करके ध्यान किया और देवी आकर के कहा चली गई। तो क्या करूं, एक दूसरे एक काम कर, फिर से तू ना भोग लगा था ठीक है, आंख बंद मत कर, आंख खोल कर। गोपी क्या करने लगी, ठीक है तो नहीं है जो बोलते हैं ये सच है। उस दिन तो आंख बंद करके मैंने कहा देवी कब खाकर कर चली गई, मुझे पता नहीं चली है। आज मैं भोग जो लगा हूँ ना आंख खोल करके, खोल तो गोपी क्या कर लड़ बजे तो ये आई नहीं है। फिर कृष्ण आकर के उसे देवी गोपी क्या कर रही है, बोले मैं ध्यान रही, तूने कहा ना, बोले देख आंख बंद करना तेरे नजर पड़ेगी, तेरी नजर तभी किस में थाली में, देवी आई नहीं ते कन्हैया तू तो बस दे दो। एक दिन बोले, एक दिन बोले आंख बंद करके करा, देवी अपने खा कर चली गई। फिर कहती है आंख खोल करके करो, आंख खोल करके कर नजर लग गई। क्या कर कन्हैया तू बात, अरे कन्हैया कहने लगी अरे गोपी ऐसे भोग नहीं लगता है, भोग मुझे लगा देवी आ जाएगी। बोलो बिंदा चलो पांच बजे गुड नहीं बोले मुझे भोग लगा दिन का, मैंने कहीं क्या बोले मुझे मुझे खिलाओ फिर दस बजे अच्छे इंद्र के प्रसाद देना, वो जगन्नाथ प्रसाद दे। जय हो। अब जा रही हो कहाँ, दिल्ली है और पुडिंग ना चाहिए। हाँ हम सेकंड है और कौन नहीं है, नहीं पुडिंग यस मैं वो दीदी ने गिफ्ट मामा के जस नाम श्री सुंदरी और कौन आ गया जो नहीं लिया आ जाओ
हो गया और कौन नहीं लिया? सब लोग ले लिया, सब लोग ले लिया। सैटरडे Surya Putri from Nepal, she made a design like this. This design is some shloka. How much is the system? Yes, yes. And Acharya. Yeah.